हेलो स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन केमिस्ट्री एटॉमिक स्ट्रक्चर बट पार्ट टू। टुडे विल डिस्कस अबाउट ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल और सोलर सिस्टम। रदरफोर्ड कंपेयर द इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स एज सोलर सिस्टम। सन इज द सेंट्रल पार्ट, इलेक्ट्रॉन्स और प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। सो इलेक्ट्रॉन्स रिवर अराउंड द न्यूक्लियस इन क्लोज सर्क्यूट और पाथ और सेल्स और ऑर्बिट्स, बट प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन द सेंट्रल पार्ट और इन द न्यूक्लियस। इट सजेस्टेड दैट लाइक सोलर सिस्टम, सन इज द न्यूक्लियस, योर इलेक्ट्रॉन्स आर द प्लैनेट्स आर रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस और अराउंड द सन। दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल और सोलर सिस्टम। देन बोर्स एटॉमिक मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल। अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक मॉडल, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस देन इट रेडिएट और लूज एनर्जी ऑटोमेटिकली, एट लास्ट इट स्टॉप्स एट द सेंटर। देन दिस इज शुड रिजल्ट इन द टोटल कोलैप्स एट द सेंटर। देन इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म कोलैप्स और स्टॉप द मूविंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। दैट इज द ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड। सो then Bohr's atomic model, he suggested that the electrons revolve around the nucleus according to their path or orbit or cells. There is a path, first cell is known as K cell, second cell L, third cell M, fourth cell N. So capacity of electrons in K cell according to 2n square formula, if n is 1, K cell contains 2 into 1 square 2, if n is 2, second cell K is 2 into 2 square, that is 8. If n is 3, third cell K is 2 into 3 into 2 to the power 2 or square, that is 18. Like this n 4 K is 32. Capacity of electrons according to their cells K L M N cell, that is known as electronic configuration. These electrons are settled according to their orbit or cell or path. Then discovery of neutrons. So in the central part there is a your positive charge, that means protons. But if you compare the mass of helium, is actually mass of neutron is 1.676 into 10 to the minus 27 kg, which is just 0.004 more than the proton. So in the central part there is a proton and a neutron which mass is equal to the mass of an atom, because mass of इलेक्ट्रॉन इज वेरी नेग्लिजिबल 1/1837, सो इट इज नॉट कंसीडर्ड व्हेन यू टेक द मास ऑफ द एटम। सो मास ऑफ एटम इज मींस दैट इज मास ऑफ प्रोटॉन एंड योर न्यूट्रॉन्स। सो बाय जेम्स चैडविक, व्हेन बेरिलियम इज अट्रैक्टेड और बाय अल्फा पार्टिकल्स हीलियम 2 एंड 4, देन देयर इज कार्बन एंड न्यूट्रॉन। दैट इज ऑल्सो न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड बाई सेम मेथड लाइक बेरिलियम और अल्फा पार्टिकल्स, then helium, nucleum and product is carbon and neutron. So that is properties of neutron, whose mass is equal to same as proton, just 0.004 amu more than that of a proton. It is located at central part of the your atom or in the nucleus. Then its mass is 1.676, its charge is nothing or zero, so that's why it is denoted by 0 and 1.